अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। जनता आशीर्वाद देते अरे फोन कर रहे अरे क्या बात कर रहे हैं आप ठीक है जब तो आप उपस्थित साथ में लो तीनों को साथ में आ जा जाने आने आ उनके साथ ना तो एक तेरा ऊपर जो है आरोपी पकड़ा। 8 दिसंबर को शाम को लगभग 5 बजे की घटना हुई थी भोपाल चौराहे के पास बाईपास को जो ओवरब्रिज समाप्त होता है वहाँ पर एक समंदर सिंह करके व्यक्ति को 65 से 70 साल की उम्र की उनकी स्कूटी एक व्यक्ति छीन ले गया था और उनको चाकू से वार भी किया था क्योंकि वो चाकू इनके वाइटल पार्ट के पास लगा था। तत्काल वहाँ से डायल 100 के हमारा वाहन गुजर रहा था उसी ने देखा और उनको वहाँ से लिया और हॉस्पिटल पहुँचाया। बाद में इलाज उनका इंदौर में हुआ और ठीक हुई और साथ ही साथ इस अपराध में धारा 394, 397, 506 का प्रकरण दर्ज किया गया और इसमें शहर की 3 थानों की टीमें लगाई गई और CSP साहब एडिशनल साहब के द्वारा लगातार सुपरविजन किया जा रहा था। इस मामले में करीब 8 से 10 दिन की मेहनत के बाद इसमें आरोपियों का पता चला और उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। आरोपियों से जो घटना में इस्तेमाल किया गया चाकू और लूटा गया स्कूटी है वो भी बरामद हुआ है। इसमें 3 आरोपी आए हैं जिसमें राजपाल साहिल और मनोज करके हैं। राजपाल पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड उसके काफ़ी हैं और वर्तमान में जिला बदर भी था वो। साहिल दूसरे ज़िले का रहने वाला है और मनोज भी अपने ज़िले का ही देहात क्षेत्र का रहने वाला है। इन सभी आरोपियों को भी PR पे लिया गया है। PR में इनसे पूछताछ की जाएगी आगे जो भी और तथ्य आएंगे उस हिसाब से और अग्रिम कर। विक्टिम की कैसी हालत है सर? क्या विक्टिम स्वस्थ है और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो कर सकते थे लूट क्यों की? हाँ ये जो उनसे पूछताछ अभी की जाएगी PR में लेके अभी जो प्राथमिक पूछताछ हुई है उसमें उन्होंने कोई बहुत ऐसा ठोस कारण नहीं बताया जिसकी वजह से कोई एक्टिवा ही चाहिए और चाकू ही मारना था। कहीं ना कहीं जो इनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है और पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है उस इस बात को दर्शाता है कि इनकी खुद की बदमाशी का लेवल ऐसा था कि उन्होंने न केवल स्कूटी छीना बल्कि चाकू से फरियादी को घायल भी किया। नकदी की नियत रही होगी ये तीनों आरोपी सर कहां से पकड़ा है? इसमें 2 आरोपियों को पकड़ा गया है ज्ञानेश्वर बिट्टी खदान के पास से और एक आरोपी पकड़ाया है दीनदयाल ढाबे के पास से। सर कहां के निवासी हैं तीनों चारों? इसमें एक आरोपी साजापुर का रहने वाला था साहिल जो टच में आया है राजपाल यहीं का रहने वाला है और जो तीसरा आरोपी है वो बिजवाड़ के पास का रहने। कारण अभी तक पता नहीं लग पाया कि आखिर क्यों ऐसा लूट की नीयत से उन्होंने किया पैसा वैसा।
रिवाज बाईपास से गोपाल चौराहे से आ रहे थे, रिवाज बाईपास राजोदा जिनके यहाँ पे उनके साथ लूट हुई थी, एक्टिवा छीन के ले गए थे, एक्टिवा छीन के ले गए थे लड़के, और चाकू मार के उनको नाले में कर भग गए थे। कैसी हालत है फमंदा सिंह जी? अभी ठीक है, घर पे कल लेके आए हुआ। कितने दिन हॉस्पिटल में भर्ती थे, कौन हॉस्पिटल में भर्ती थे? 8 दिन बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती रहे। अच्छा, क्या क्या लगता है आपको, आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया, क्या कहना चाहेंगे आप देवास पुलिस को? देवास पुलिस का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी टीमों ने अच्छे से काम किया और हमारा खूब सहयोग किया है, वो समय पे हम आरोप यहाँ पे उपचार के लिए उन्होंने व्यवस्था करवाई गई। बताया जा रहा है कि उनकी जो एक्टिवा है वो भी जब्त कर ली है। हाँ, बताया गया एक्टिवा भी प्राप्त हो गई है। किस तरह से आपको पुलिस पर कितना विश्वास था उस समय और आज क्या है? सर, उस समय थोड़ा सा विश्वास था, लेकिन आज पूरा विश्वास अच्छे से हुआ है कि काफ़ी अच्छा प्रयास किया और काफ़ी अच्छी जल्दी बहुत जल्दी काम किया होगा। आप गुलदस्ते वगैरह लेके भी आए हैं? हाँ बिल्कुल आए ना सर, धन्यवाद आभार व्यक्त करने के लिए एसपी साहब, सीएसपी साहब के हिसाब का, जिन्होंने बहुत जल्दी इन लोगों को पकड़ा है। आपका नाम बताइए? अनिल सिंह चंदे। कहाँ रहते हैं? इंदौर। अमंदर सिंह के कौन है आप? बालक हूँ, बड़ा वाला। मोबाइल नंबर बताओ। 9300868687।